महानगर में ठंड से बचने के लिए नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में रैन बसेरा संचालक अशोक सिंह ने बताया कि यहां पर 15 नागरिकों को रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके ओढ़ने के लिए रजाई की भी व्यवस्था है और बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लगती है तो वह अलाव के पास बैठकर हाथ पैर की आग से सिकाई करके अपने शरीर को गर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पर पीने के लिए शुद्ध जल, शौचालय व नहाने की पूरी व्यवस्था है। वहीं इस संबंध में रैन बसेरा में रुकने वाले नागरिक सुमित यादव ने कहा कि यहाँ पर घर की तरह व्यवस्था है और साफ सफाई भी है, इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुमित यादव, रैन बसेरा संचालक अशोक सिंह, रामकिशन राम समूच, जितेंद्र झा ने कहा। मेरा नाम है सुमित यादव, मैं बस्ती जिले से आया हूँ। सर यहाँ पे व्यवस्था एक घर की तरह व्यवस्था देख लो, हर चले आप ही आपके सामने दिख रहा है, रात्रि की साफ़ सफाई हर चीज़, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओढ़ने और बिछौने हर चीज़ का, गद्दा रजाई की व्यवस्था है, यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया तो हमें कहीं नहीं मिलेगा रैन बसेरा में। अशोक कुमार सिंह, रैन बसेरा यहाँ पे संचालित हो रहा है, हाँ? यहाँ पे कितने बेड की व्यवस्था है? 15। क्या व्यवस्था यहाँ पे रहने के लिए? एक नंबर का रजाई, गद्दा बिछौना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलाव? अलाव सामने आपके चल रहा है। मान के चलिए 7-8-10। हाँ, 5 महिलाओं का ऊपर है। बाकी पानी वगैरह, लैट्रिन बाथरूम ये सब है, एक नंबर का। राम किशन, यहाँ पे कितने बेड लोग रुकने के लिए, कितने लोग यहाँ पे रुक सकते हैं? यही करीब 15 लोग, 15-16। नहीं, इस समय तो रैन बसेरा वगैरह लगा हुआ है रोडवेज कैंपस के अंदर, ये सरकारी है, इसका किराया भी देना पड़ता है। तो इसका किराया तो पड़ता है करीब 20,000 रुपये लगभग महीने। बाकी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रुकता है तो कितना देना पड़ता है, चार्ज भी लगता है? एक बेड का 100 रुपया। एक बेड का 100 रुपया। क्या क्या उसको आप लोग उपलब्ध करवाते हैं? फोल्डिंग देते हैं, गद्दा देते हैं, चादर देते हैं, तकिया देते हैं, कम्बल ओढ़ने के लिए, पानी और लैट्रिन बाथरूम, पूरा स्नान घर व्यवस्था है, यही सुविधा देते हैं।
राम समूज नाम है हमारा। गरीब लोग रुकते हैं कितने लोग रखते हैं यहाँ पर जो है 12 और 26 12 38 हो गया 38 लोगों की व्यवस्था है सर यहाँ रुकने। 38 लोग नहीं 38 लोग नहीं रुकते हैं, लेडीज में बहुत कम आती हैं लेडीजें, पुरुष में आ जाते हैं करीब करीब। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर यही है सोने का बिस्तर रजाई तकिया यही सब उपलब्ध है। पानी के लिए टैंकर लगाया गया है, शौचालय के लिए वो जो है वो बाथरूम ले आए हैं विभाग से लगाए हैं। हाँ जितेंद्र झा कितने लोग ठहरने की व्यवस्था? 10 लोगों की, महिलाएं एक रुके हुए थे। रहने के लिए देखिए साफ सुथरा बिस्तर है, बेड है, रजाई गद्दा तकिया है, उसके बाद नहाने धोने के लिए ठंडा गर्म पानी की व्यवस्था है। कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पे रुकते हैं? हमारे सीट पूरा फुल हो जाता है रोज। प्रतिदिन फुल हो जाता है? जी।